तो सालों के इंतजार के बाद फाइनली वन पीस के मांगा चैप्टर 1112 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। और इन सारे स्पॉयलर्स को पढ़ने के बाद में एक बात तो फिक्स हो चुकी है कि भाई आगे आने वाले चैप्टर के अंदर हमको काफी तगड़ी वाली फाइट्स देखने को मिलने वाली है। जहाँ पर अगर हम बात करें लूफी वर्सेस सैटर्न की, या हम बोल सकते हैं कि जोरो वर्सेस अपने गांधी जी वाले गुरु से की, एक टाइप से इस वाले चैप्टर के अंदर इन सारी फाइट्स की बिगिनिंग ही होने वाली है। मुझे तो लगा था कि भाई अभी एक गेट खत्म होने वाला है, लेकिन भाई यहाँ पर अभी लग रहा है कि भाई एक गेट का वॉर तो अभी अभी शुरू हुआ है। चैप्टर की शुरुआत और हमको वीनस वाले गुरु से दिखाए जाएंगे जो कि अपने हाइब्रिड फॉर्म के अंदर आके सारे के सारे फैसापिस्टास को हरा चुके हैं। यहाँ पर ये चीज होना फिक्स ही था क्योंकि भाई इनका जो कोल्ड अटैक है उसकी वजह से भाई सारे के सारे फैसापिस्टास वर्क करना बंद कर दे रहे थे। लाइक अपने वीनस वाले गुरु से जो है वो पैसापिस्टास को बिना कोई डैमेज करे उनके सर्किट को जमा दे रहे थे, उसकी वजह से भाई सारे के सारे पैसापिस्टास काम करना बंद कर दे रहे थे। आगे चलकर हमको मार्स को दिखाया जाएगा जो कि लास्ट चैप्टर के अंदर यॉर्क को टॉर्चर करके भाई एक टाइप से वेगापंक के मॉनिटर रूम की लोकेशन यॉर्क से पूछ रहा था। एक टाइप से भाई उसने मॉनिटर रूम को तबाह करने की सोच ली थी, उसको लगा था कि भाई उसको तबाह करने के बाद में वेगापंक का मैसेज जो कि ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो रुक जाएगा। लेकिन जब यॉर्क मार्स को मॉनिटर रूम के पास में लेके जाती है, वहां पर जाने के बाद में मार्स उस वाले मॉनिटर रूम को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके बाद में भी वेगापंक के मैसेज की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो रुकती नहीं है। अगर ये इतना ही सिंपल हो जाता तो भाई मॉनिटर रूम को डिस्ट्रॉय करने के बाद में अगर ये ब्रॉडकास्टिंग रुक जाती तो यहाँ पर वेगापंक जीनियस नहीं कहलाता। आगे चलकर हमको लूफी, जुपिटर और वैल्करी की फाइट दिखाई जाएगी जहाँ पर लूफी वेलकरी के ऊपर अपने कोई अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं कैसे जब लूफी वेलकरी के ऊपर अपना अटैक करता है वहाँ पर उसके बाद में खुद लूफी घायल हो जाता है। अब यहाँ पर स्पॉयलर्स के अंदर ये नहीं बताया गया है कि भाई लूफी ने अपने आप को हर्ट कैसे करा। लाइक जब वो वेलकरी के ऊपर अपना अटैक कर रहा था या वेलकरी ने उसके ऊपर अटैक करके उसको डैमेज करा, ये बात यहाँ पर कंफर्म नहीं हुई है। आगे चलकर हमको बोनी और उसकी टीम दिखाई जाएगी जो कि सनी के पास में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके स्वागत के लिए वहाँ पर मरीन्स और वाइस एडमिरल्स इंतजार कर रहे थे। जहाँ पर बोनी जो है वो मरीज के साथ में फाइट के अंदर इंगेज हो जाती है। उसके बाद ही हमको सीधा इस वाले चैप्टर का लास्ट पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर मार्स जैसे जैसे करके पंक रिकॉर्ड्स के पास में पहुंच चुका है। पंक रिकॉर्ड्स के पास में पहुंचने के बाद में मार्स बोलता है कि भाई वेगापंक तेरा तो कोई नसीब ही नहीं है। लाइक उसको लगा था कि अभी जाके वो सीधा पंक रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और उसके बाद में वेगापंक की ये जो ब्रॉडकास्टिंग चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। लेकिन पंक रिकॉर्ड्स के अंदर पहुंचने के बाद में मार्स वहाँ पर कोई चीज नोटिस करता है, वो आगे जाके भाई सीलिंग के ऊपर चेक करता है जहाँ पर पता नहीं उसको कोई पर्सन दिखता है या उसको कोई चीज दिखती है, जिसके बाद में यहाँ पर ऐसा लगता है कि मार्स जो है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाएगा। लेकिन इन वाले स्पॉयलर्स के अंदर हमको ये नहीं बताया गया है कि भाई मार्स ने कौन सी चीज देखी है। लाइक चैप्टर के अंदर ही हमको दिखाया नहीं गया है कि भाई मार्स ने चैप्टर के एंडिंग में आखिर ऐसा क्या देख लिया। तो यहाँ पर होने के लिए वो चीज कोई भी हो सकती है, लाइक वो कोई पर्सन भी हो सकता है, लाइक पैसिफिस्टास भी हो सकता है या सेराफिम भी हो सकता है। वेगापंक ने मरते टाइम लूफी से बोला था कि उसको पंक रिकॉर्ड्स के अंदर जाके किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है, तो मुझे तो लगता है कि भाई ये वाली चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इसको लेकर मेरे पास में 2-3 थ्योरीज है जिनके ऊपर मैं चैप्टर आने के बाद में ही वीडियो बनाऊंगा। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वाले वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको आगे आने वाले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।